बिल्कुल नहीं करता है, भूमिका केवल इतनी है, पीओके से संबंधित है कि अभी धारा 370 हट गई। आए दिन पाकिस्तान सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है और हमारी भारत की सेना जब उसका प्रतिकार करती है, जब जवाब देती है, प्रत्युत्तर देती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो पाकिस्तान की सरकार और वहां के सेना अध्यक्ष भारत से क्या कहते हैं, टेबल पर बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। केवल इतनी भूमिका ऐसा मैं पंक्तियां देता हूं और आप लोगों की आशीर्वाद चाहता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। वाह, मैंने तो कमजोर है, मैं फिर से प्रयास करूंगा। मैंने जब ये कविता लिखी साहब, दाढ़ी साहब, जब मैंने ये कविता लिखी, मैंने अपने दोस्त को सुनाई, उसने ताली नहीं बजाई। मैंने ये कविता लिखी, मैंने अपने दोस्त को सुनाई, उसने ताली नहीं बजाई। आज उसकी 13वीं है, परसों मेरी पेशी है। तो तालियां बजाइए तो एक साथ बजाइएगा कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अब भी बदतर है, जो मसला था क्या सुलझ गया, इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। या दुश्मन का दुस्साहस है सरहद पर फायर झोंक रहा, या दुश्मन का दुस्साहस है सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत मां के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। क्या बात है। और कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक है इस देश का खाते पीते हैं, कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक है इस देश का खाते पीते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं, ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। क्या बात, क्या बात। मक्कारी मक्कारी जिसकी रखे, याद करो उस मंजर को, लाहौर तलक जाकर आया। भारत का इतिहास रहा है साहब, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, भारत के रणबांकुरे सदैव का इतिहास रहा है, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, भारत के रणबांकुरे युद्ध भूमि में युद्ध को जीत जाते हैं, किंतु जब उसी युद्ध को बैठकर टेबल पर बात होती है, उसी युद्ध को हम हार जाते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि याद करो उस मंजर को, लाहौर तलक जाकर आया, याद करो 93,000 सैनिक हमने छोड़े, याद करो उस मंजर को, लाहौर तलक जाकर आया, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुंगी खाया। याद करो उस साहस को, याद करो उस साहस को, जब सर दुश्मन का काट दिया, पाकिस्तानी नक्शे को दो टुकड़ों में ही बांट दिया। दुनिया में हाहाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ, दुनिया में हाहाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत क्यों फेल हुआ। जब जब सेना का हाथ खुला समर्थन करना अगर गर्व हो, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। तालियां उठनी चाहिए कि घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है, और सेनापति गंभीर है अपना वर्तमान परिदृश्य, सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है, सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है, गद्दारों से डरना कैसा जनता में जब दम कम है। चुन चुन कर उन सबको मारो, चुन चुन कर उन सबको मारो, जो सरहद पर उत्पात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करें। मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं साहब, समर्थन कीजिएगा, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए नराकास वालों, एक गंभीर बात करूंगा मैं, आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी के संस्कार, कि आपके राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं साहब, आप भले सत्ता पक्ष का विरोध करें या समर्थन करें, किंतु सत्ता पक्ष के विरोध के साथ साथ
आप भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तो ना मांगे। तब कहता हूं राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, राजेश भाई क्या विडंबना है देश की, भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो या सीधी सीधी भाषा है, राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो, देश से छल करना छोड़ो या सीधी सीधी भाषा है, हाथ थाम लो आपस में, जागृत हो जाइए कि हाथ थाम लो आपस में, यदि स्वाभिमान से रहना है, जय घोष एक स्वर में मिलकर वंदे मातरम कहना है। अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखलाया है, अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखलाया है, सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बनाया है, और बंद किया तो अच्छा है इस बातचीत के नाटक को, टेबल वार्ता बंद किया तो अच्छा है इस बातचीत के नाटक को, पूर्ण रूप से बंद कीजिए सीमाओं के फाटक को, कमर तोड़ दो दुश्मन की उसका घमंड सब चूर करो, कमर तोड़ दो दुश्मन की उसका घमंड सब चूर करो, कश्मीर हमारा वापस दे। 2014 से पहले भारत की विदेश नीति कौन सी अपनाई जाती थी, बिरयानी खिलाने वाली नीति, लेकिन 2014 के बाद भारत की कौन सी विदेश नीति अपनाई गई, समर्थन करना जैसे को तैसा की नीति। तब कहता हूं कि कमर तोड़ दो कि बंद करो इस फाटक को, कमर तोड़ दो दुश्मन की उसका घमंड सब चूर करो, कमर तोड़ दो दुश्मन की उसका घमंड सब चूर करो, कश्मीर हमारा वापस दे उसको इतना मजबूर करो, लाहौर तलक छीनो उससे, इस सदन में जितनी तालियां नहीं बजी उससे अधिक की अपेक्षा करूंगा मैं, कि कमर तोड़ दो दुश्मन की उसका घमंड सब चूर करो, कश्मीर हमारा वापस दे उसको इतना मजबूर करो, लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है, लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है, इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची। अगर 56 इंची सीना है और उनकी छाती पर चढ़कर अंतिम दिया, क्या आदर्श स्थिति होनी चाहिए टेबल पर बात की, कि उनकी छाती पर चढ़कर फिर टेबल पर बात करें, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। वाह, मक्कारी मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें, आओ टेबल पर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजेश अग्रवाल जी, मैं समय की अपनी सीमा, हालांकि सीमा आजकल लप्पू से सचिन की है, लप्पू से सचिन की, लेकिन मैं सीधे सीधे चाहता हूं हमारे बीच में हमारे आज के संचालक महोदय राजेश अग्रवाल जी आए और अपना संक्षिप्त काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से राजेश अग्रवाल जी के सम्मान में। धन्यवाद। उपेंद्र भाई ने मुझे उतना ही संक्षिप्त में बुलाया जितना मैंने उनसे कहा था, तो उपेंद्र भाई के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैंने खुद भी बताया बाद में, उपेंद्र भाई ने उल्लेख किया कि मैं PFC में एक बड़े पद पर काम करता हूँ, बड़ी कंपनी है।